आशुतोष जी, सुबह से तुम दिखाई रहते हो उनको बैठ के पोहा और जलेबी खा रहे थे, तब भी दिखा रहे थे। मध्य प्रदेश में दो पोलिंग अधिकारियों की मौत की खबर। नॉट टू डिसरिस्पेक्ट टू कैलाश विजयवर्गीय, वो सीनियर वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, एक पावरफुल जनरल सेक्रेटरी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनको इस तरीके से करने की जरूरत है। दूसरा, एक चीज और डिबेट होनी चाहिए इस देश के अंदर कि भाई कैलाश विजयवर्गीय इस पे लौटते हैं। सर, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अब तक 100 ईवीएम खराबी की शिकायतें और इस बीच दो अधिकारियों की मौत की खबर हार्ट अटैक से बताई जा रही है। 70 ईवीएम मशीनों को बदला जा चुका है, चुनाव आयोग की तरफ से ये जानकारी दी गई है। इतने बड़े पैमाने पर, हालांकि 65,000 बूथ है, इतने सारे ईवीएम है, वीवीपैट है, लेकिन इन सब के बीच ये जो 100 ईवीएम खराब हुए हैं, यहाँ पर पहुंचे हुए मतदाता की जवाबदेही किसकी है? मुझे लगता है कि आपने ये जो कहा ना कि सिर्फ 100 हैं 65,000 में से, ऐसा नहीं है, ईवीएम तो काफी ज्यादा होंगी, लेकिन क्या है कि इसमें अगर 2,00,000 आपकी वोट कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो उसमें बड़े कांटे की टक्कर की बात है, मार्जिन बड़े स्लिम है। अब आप कहिए, जिस पार्टी ने उठाना हो वो कह देगी 10-15 एमएलए तो इसी तरह से उन पर प्रश्न चिन्ह लग गया उनके रिजल्ट पर। तो इसकी जो जिम्मेवारी है वो सीधी जाती है चुनाव आयोग पर, और जो स्टेट का, प्रदेश का चुनाव आयोग का जो हेड है उस पर जाती है कि ट्रेनिंग आपने कैसे दी, कैसे हुआ कि इस वक्त तक 11 बजे तक 11:15 आपकी 100 ईवीएम मशीनों बदली गई, और वो मशीनें कितनी ज़्यादा शुद्ध हैं उसकी गारंटी कौन दे रहा है? देखिए, इस पर इलेक्शन कमीशन ने तर्क दे सकता है कि 65,000 से ज़्यादा हमारे पास पोलिंग बूथ है और ईवीएम बहुत ज़्यादा हो, उसमें 100 ही तो खराब है, लेकिन हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़ है, और अगर 8-10 मर्डर हो जाते तो क्या प्रतिशत है उसका? सवाल इस बात का ये है कि आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, और अगर तैयारी नहीं तो इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो भी महत्वपूर्ण है, इससे ट्रस्ट का बहुत बड़ा मामला है। ये 100 ईवीएम आप उसको नंबर्स में हम ऐसे नहीं देखेंगे, 65,000 में सिर्फ 100 ईवीएम खराब है, लेकिन जब इस तरह की भरोसा का, जब इस तरह की खबरें आ रही है, लोगों का भरोसा तो बिल्कुल कम होगा। किसका होगा राजतिलक मध्य प्रदेश पर, आप ये विशेष कवरेज देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजमाता विजय राजे सिंधिया को याद किया चुनावों के पहले। इसे एक अलग ट्विस्ट दिया जा रहा था कि क्या सिंधिया परिवार के अंदर ही जो मतभेद है उसको एनकैश करने की कोशिश है, लेकिन इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में है। अब ये जय वीरू की जोड़ी कमलनाथ के साथ उनकी बताई जा रही है, लेकिन कितने मतभेद हैं और कितना वहां पर समन्वय है ये भी एक सवाल है। मौसमी सिंह ने बात की है ज्योतिरादित्य सिंधिया से, सुनिए। हमारे साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया आई है, उनसे बात कर रहे हैं। सिंधिया साहब, सबसे पहले ईवीएम में जो गड़बड़ी आई है, बोला गया है कि जहां कांग्रेस मजबूत है वहां पे धांधली की खबरें आ रही हैं। हमने स्पष्ट रूप से इस विषय पर चुनाव आयोग को दिल्ली में और मध्य प्रदेश में दोनों यहां हमने कंप्लेंट किया है कि जल्द से जल्द ये मशीन ठीक होनी चाहिए, और जो समय व्यर्थ निकल चुका है जहां लोग अपने मतदान नहीं कर पाए हैं, उतना समय एक्सटेंड किया जाना चाहिए शाम को। भाजपा का कैंपेन आप पर केंद्रित रहा, माफ करो महाराज, अब की बात शिवराज, क्या मायने निकाले? भाजपा का कैंपेन हमारे ऊपर ही केंद्रित है, इसका बड़ा स्वागत है हमें, और इसका जवाब जनता देगी। मध्य प्रदेश में मैं मानता हूं कि जो मानसिकता शिवराज सिंह जी की है, अगर इतनी ही उत्सुकता उनमें थी तो शायद जब मेरी दादी थी उस समय कहना चाहिए था माफ करिए राजमाता, जब राजमाता साहब ने पूरी फंडिंग बीजेपी की थी और बीजेपी को खड़ा किया था। और अभी भी अगर समय बाकी है, मतदान मध्य प्रदेश में हुआ है पर राजस्थान में नहीं, शायद मेरी आत्या, मेरी बुआ राजस्थान में, उनको कह दें कि माफ करिए महारानी, और या तो अभी भी मतदान मध्य प्रदेश में चल रहा है, कह दें कि माफ करें श्रीमंत मेरी दूसरी बुआ को जो यहाँ मंत्री है। सामंतवाद एक मानसिक प्रवृत्ति होती है, अगर मेरा जन्म मेरा जुर्म है तो मैं उसको खुलेआम से स्वीकार करता हूं, मेरे परिवार। तो चलिए, बहुत ही प्रखर रूप से अपने जन्म को अपने जुर्म के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जिन राजमाता का जिक्र ये भी कर रहे हैं, उन्हीं राजमाता के जन्म शताब्दी की तैयारी भी सरकार ने की और उसे भव्य तरीके से सामने रखा। तो सिंधिया परिवार और उसकी राजनीति राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश कैसे है, उसका एक स्वरूप आप देख रहे हैं। हम लौट रहे हैं, लगातार कवरेज जारी है, देखते रहिए आज। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।